بسم الله الرحمن الرحيم. نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. आपू पीस जनाब फरमानवा आमून होतब सोम के खान सालार को गद्दारी और दुश्मनान मिस्र की एयानत और फरमानवा और उनके अहले खाना के इकदाम कत्ल के जुर्म में बहुक्म फरमानवा मिस्र
मसलूब किया जाता है। इसका जिस्म तख्ताए दार पर लटका रहेगा ताकि ये बदतरीज मौत के घाट उतरे, और इसका जिस्म झील कब्बों की खुराक बने। ना तो इसे हनूद किया जाएगा और ना ही सरजमीन गर्ब में दफनाया जाएगा, और यूं हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। इन फरामीन में से एक भी मेरे खुदा यक्ता तक पहुंचने की राह में हायल नहीं हो सकता। मैं अब आपके इस मस्खरे आइन पर ईमान नहीं रखता। मैं खुदाए आमून से बेजार हूँ। बकवास बंद करो बेईमान काफिर, इसे खामोश कराओ। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस तदरीजी मौत को बर्दाश्त कर सकूं। तुम हक बजाने को तुम्हारी जगह किसी और को इस तख्ताए दार पर लटकना चाहिए था। परस्ती से आशना करा जाता। ऐ काश मुमकिन होता कि मैं अपने बच्चों को युजार सी पयाम्बर खुदा से आशना करवा देता। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं कि तुम्हें निजात मिल गई। बिना रूस अगर तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह होता तो मैं अपने परवरदिगार के सामने गुनाहगार और शर्मसार हो जाता। तुम्हें नहीं लग रहा कि जैसे वो मुस्कुरा रहा हो? हाँ वाकई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, कि मामला क्या है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? मेरा ख्याल है उसे यकीन है कि बाद अज़ मर्ग वो बेहतरीन मकाम पाएगा। मैं कुछ समझी नहीं, अगर किसी को ना हुनूद किया जाए और ना ही दफनाया जाए तो क्या कैसे मुमकिन है कि उसे मरने के बाद बेहतरीन मकाम मिल सके?
एक दिन जरूर असली मुजरमों को तख्ताए दार पर पहुंचा कर दम लूंगा। हरकत करो। यूज़ारसीफ कहाँ है? आपने जो ताबीर की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप ओपीस को मसलूब कर दिया गया। मैं जानता था, सुबह से उसी के हक में दुआगो हूं, खुदा उसकी मगफरत फरमाए। बीनारूस भी आज़ाद हो गया है और जनाब फरमा रवा के पास अपने साबका ओहदे पर बहाल हो गया है। इतनी सही और दकीक ताबीर आखिर कैसे मुमकिन है? ताबीर और पेशनगोई खुद से लगाए गए अंदाजों पर मबनी होती है, जबकि मैंने तावील पेश की है। आप उपीस और बीनारूस के ख्वाब की असल हकीकत को इल्म खुदा की रोशनी में उन पर जाहिर किया है। मैंने अस खुद कुछ नहीं बताया। खुदावंद हम सबको और आप उपीस की रूह को बख्शे। तुमने पेशेंगुई कैसे की यूज़ारसीफ? सहर और जादू के जरिए या शयातीन के? वो निशानियां जो दूसरों के लिए बाएं से हिदायत हैं, उनसे जालिमों को सिवाय ज़ियां और खसारे के कुछ हासिल नहीं होता। जालिम तुम खुद हो, जादूगर, साहिर। मैं इस कदर अहमक भी नहीं हूँ कि तुम्हारे दावा पैगंबरी पर यकीन कर लूँ। हाँ, तुम एक पेशिंगुई करने वाले जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो जनाब यूज़ारसीफ, कोई और नहीं ताजा जादूगरी और पेशिंगुई नहीं। तुम्हें कितने सालों के लिए कैद किया गया है? हमेशा के लिए। साबिरा एक फरामोश खाना है, इतनी जल्दी यहाँ से कोई नहीं निकलता। तुम नैनीफर अनकरीब इस जिंदान से रिहाई पाओगे। क्या कहा? उम्मीद करता हूँ कि जिंदान की इस कैद से रिहाई तुम्हें शैतान की कैद से भी रिहाई दे दे। सुना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? खुदा करे कि यूज़ारसीफ की ये बात सच साबित का हो और तुम ता अबद यहीं पड़े ठहरते रहो। अगर ये पेशिंगुई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े शायर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते। पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता, और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं या झुटला देते हैं या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह है आप उपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आप उपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मगफरत फरमा।
मंजर ख्वाब में देखा था और युजार सिंह ने उसे बताया था वो ऐसे ही मौत मारा जाएगा। यहाँ से जाओ, चलो दूर हटो, जाओ यहाँ से। आखिर इसे नीचे क्यों नहीं उतार देते, इसकी लाश पर तो रहम करो। यही है दार पर यूं ही लटका रहे, जाओ यहाँ से दूर हट जाओ, चलो जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं, लाना तो एक बच्चे ने मेरे शोहर को मार डाला, खुदाओं की लाना तो आँखों पर आमूल होना और बुद्धि पर कैदी यूनिफॉर्म की इब्तदा आजाद है। मैं आजाद हूं मैं आजाद हूं मैं आजाद हूं मैं आजाद हूं। तुम बहुत बड़े जादूगर हो युजार सिफ, पूरे मिस्र में तुम्हारा कोई साली नहीं है। तुम 12 साल पहले चोरी और दीगर बहुत सी खिलाफ वर्जियों के जुर्म में कैद हुए थे और तादमे मर्ग तुम्हें जिंदान में ही रहना था, लेकिन काहिनान माबद आमून की दरखास्त पर तुम्हें आजाद किया जा रहा है। उनका ख्याल है कि तुम राय रास्त पर आ जाओगे और बजाय शरंगेजियों के माबद आमून की खिदमात अंजाम दोगे। उम्मीद करता हूं कि कायनान की यह आरजू पाया तकमील को पहुंचे, समझ जाओ। युजार सिफ की ये बात भी सच साबित हो गई। इसके लिए मेरी अकीदत ईमान में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम निशानियां उसके पैगम्बर खुदा होने की वाज़ह दलील हैं। ऐ नबी खुदा, क्या हमें वाजो नसीहत नहीं फरमाएंगे? बस औकात अंबिया बाज लोगों की हिदायत करने में कामयाब नहीं हो पाते, मुर्दे कलाम हक सुना नहीं करते, अगर सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं या उसकी तकजीब करते हैं या उसे जादू का नाम देते हैं। जनाब, क्या हुआ?
कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। चलो। आली जनाब, नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालकान को वापस लौटा दी गई हैं। लेकिन कहनान इमाबत अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और कहनान इमाबत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल इस आइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुआ को खबर करो, जल्दी करो। जी 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 जनाब। बीनारूस को तो अब तक आपका पैगाम आमून हो तब तक पहुंचा देना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया? शायद वो भूल गया हो। क्या ये मुमकिन है कि इतनी अहम बात बीनारूस इतनी आसानी से भूल जाए? हम हमेशा अपने अमाल की अंजामदही पर कादिर नहीं होते। मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं, किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युजार सीफ किसी गैर से मुतवसिल हो, वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बीनारूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था, इसके बारे में कहना चाह रहा था। ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बस औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं, मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिरान माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं, मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी। बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और कहनान माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर
बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गरम बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तुआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं, तो कहां ले जाएं? किसे उम्मीद रखे? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबूद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करें? अहमा, आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती, तब कोई ऐब ना था। लेकिन युसासिर से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है, बजाय इसके कि तंस के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे युसारसिफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आजाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पुतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था, और आप अचानक उसे आजाद करवाना चाहती हैं? आपकी तजावीज भी आप ही की तरह होती हैं। कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ? अगर मेरी अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब युसारसिफ आजाद होगा, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। मैं उसकी इस दूरी की मुतहमिल नहीं हो सकती, कुछ करना होगा। युसारसिफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम खुद ही टूट गए। बिल्कुल मेरी तरह।
ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कस्र को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनोहा को खबर करो। गालिबन जनाबे पोतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत कल मुनज़्ज़म और मुतवातर नहीं है। आली जनाब कोशिश करें शदीद गम गुस्से से परहेज करें और कुछ अर्सा इस्तराहत फरमाएं। मैं कुछ अदबियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूं, जो हर रोज बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा ना कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनोहा पर मुकम्मल इत्माद होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुजिर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्त इसके अलावा आप जो भी तजवीज करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बड़ी उत्तमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम से कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है गरी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहां युजार सिर्फ को जिंदान में डाला और यहां खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा, अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सेनुहा को बुलाओ। आप इफ़रात से काम ले रहे हैं आली जनाब, आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है, अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सरदर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो, मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके।
तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो, यह जानते हो कि मेरा मरस क्या है लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमान रवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है, लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो, दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सत्य भाव ना कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पियूंगा। ये क्या था? बिनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और गुआरा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूं, अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून हो तब।
क्या कर रहे हैं जनाब यूजार सीफ? फूलों की निगहदाश्त कर रहा हूँ। वो काम जो तमाम उम्र इन्हें करना है। यूजार सीफ के लिए कोई फर्क नहीं लगता, वो फूलों की निगहदाश्त हो या फिर वो इंसानों की हो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? तखलिया। नहीं तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो, तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूत करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ्फुज के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ्फुज के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना।
सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलूब होगा। आज आमून होतब सोम हुनूद किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी।